करना है तो क्या करो, निगेटिव बात को क्या बना लो, पॉजिटिव। बहुत बड़ी कला है। समझे, किसी ने गाली दी, गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। जब योग में बैठेंगे तो बाबा को तो बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समझे, आप यहाँ से जाएंगे घर में जाते हैं डांट मिलेगी, ओम शांति भी जाते हैं, वही जाओ वही खाओ, वापिस क्यों आए? अब जाते ऐसी बातें सुनते दिमाग निगेटिव चलेगा, लेकिन नहीं, पहले से पक्का करके जाओ, अब मैं घर में जाती हूँ, मेरी पूजा हो जाएगी। पूजा मतलब कोई आरती उतारेगी नहीं, तुम बहुत अच्छा काम किया, आश्रम में चलेगी। पूजा होगी कौन सी? गाली से, अपमान से, निंदा से। जब कोई ऐसा बोलता है देवी की पूजा होती है तो देवी क्या करे, वरदान देते हैं। तो आपको भी कोई ऐसा बोलेगा तो आप भी क्या करो, वरदान। वरदान मतलब हाथ से नहीं दो, ये तो और चिढ़ जाएंगे। यही आश्रम में सिखा गया, नहीं सीखा है? बड़ी देवी बनकर गई शुभ मन से दुआई दो, बाबा इनका कल्याण करना, बाबा थैंक्स, बाबा धन्यवाद। तो जब ये बातों को चिंतन करेंगे, सहन शक्ति आएगी, आप विजय बनेंगे। परिस्थिति के समय सहनशील बनो, इसलिए पॉजिटिव सोचो। निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। अगर किसी ने आपका परिचिंतन किया, समझो परिचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया, अगर कोई कीर्तन भजन गाता है तो अच्छा लगता है, बुरा लगता है? इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, हर निगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव।